यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार द्वारा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने के फैसले के बाद संगम नगरी प्रयागराज से भी लगभग 10 महीने बाद कल से परिषदीय स्कूल खुल जाएंगे। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और बेसिक शिक्षा परिषद ने कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ सभी परिषदीय स्कूलों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। बीएसए प्रयागराज संजय कुशवाहा के मुताबिक सुबह 9 बजे से 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं निर्देश संबंधित BIO को दिया जा चुका है। के लिए स्कूलों में तैयारी भी पूरी तरह की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ स्कूलों को खोला जाएगा, जहां बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना अनिवार्य होगा। आइए जानते हैं संजय कुशवाहा BSE प्रयागराज से। 6 से 8 वाले जो परिषदीय स्कूल हैं, हम लोगों ने उसके खोलने की तैयारी जो भी हमें विभागीय निर्देश प्राप्त हुए थे उसके क्रम में खंड शिक्षा अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सभी हेडमास्टरों को बता दिया गया है और इसके लिए जो विभाग की तरफ से SOP जारी था, प्रोटोकॉल जो कोविड के दृष्टिगत था, उन सभी का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और उनकी तैयारियां की जा चुकी हैं। और इसके दृष्टिगत जो है हमारी तैयारियां हो गई हैं और कल से हम अपने स्कूल पर जो 6 से 8 वाले हैं उसको ओपन कर रहे हैं। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।